तो शुरू करते हैं। ऑपरेशनल रिसर्च में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बाद असाइनमेंट प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके गेट में इस टॉपिक से भी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक हम यूज करेंगे वो है हमारा हंगेरियन मेथड। तो आपको इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। थ्योरी करने के बजाय मैं फोकस करूंगा कि आप एग्जाम्पल से इजिली समझे और वो सारे स्टेप्स जो फॉलो करेंगे कि हंगेरियन मेथड से असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि इसमें हम कैसे रो मिनिमम लेते हैं, फिर उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, देन आफ्टर कॉलम मिनिमम लेते हैं, फिर कॉलम मिनिमम को सब्सट्रैक्ट करते हैं कॉलम में, फिर मैट्रिक्स बनता है, फिर लाइंस ड्रॉ करते हैं जीरो को कवर करते हुए। तो ये सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं आप नोट्स में पेज नंबर 58 पे देख लेंगे, सारे स्टेप्स मेंशन है। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम यूजिंग हंगेरियन मेथड। असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऑपरेशनल रिसर्च में या तो असाइनमेंट से या ट्रांसपोर्टेशन से आता है, ठीक है। उसमें ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट निकालते हैं। इसमें भी कुछ सिमिलर ही वर्क है। इसमें क्या होता है ना, जॉब असाइन करना होता है। जैसे मान लो हमारे पास एक पर्सन है, इसमें वन टू वन होता है, मतलब एक पर्सन को ये एज्यूम किया जाता है कि एक एट द वन पर्सन टेक वन जॉब एट वन टाइम, ठीक है। मतलब अगर हमने मेरे पास मान लो P1, P2 और P3 तीन पर्सन है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि तीन जॉब होगा, ठीक है। ये नहीं कि दो जॉब करेंगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या हो रहा था, ऐसा नहीं था। मतलब नंबर ऑफ ओरिजिन एंड नंबर ऑफ डिस्टिनेशन अलग अलग हो सकते थे, इसीलिए हमारा मैट्रिक्स कभी स्क्वायर बन सकता था, कभी नहीं बनता था, मोस्ट ऑफ द किस में रेक्टेंगुलर ही बनता था। लेकिन असाइनमेंट प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे हमेशा स्क्वायर ही बनता है, ठीक है। क्योंकि हम देखो P1 के लिए कोई ना कोई जॉब होगा, P2 के लिए कोई ना कोई जॉब होगा, तो फिर P3 को कुछ ना कुछ करेंगे ना, जब करेंगे ही नहीं तो ये प्रॉब्लम में क्यों आएगा। तो यहाँ पे ले रहा हूँ कि तीसरा जॉब है J3। तो मान लो इसको मैंने कोई ए जॉब असाइन कर दिया, ठीक है, फिर इसको कुछ ए कर दिया और इसको कुछ ए कर दिया। तो हमें यही करना है कि किसको कौन सा जॉब असाइन करें कि हमें कम से कम। अब गेट के क्वेश्चन पे आते हैं, तो थ्योरी हम बाद में देखेंगे। यूजिंग द फॉलोइंग कॉस्ट मैट्रिक्स, इसी जैसे वहां पे मैट्रिक्स दिया था वैसे यहाँ पे भी मैट्रिक्स दिया रहेगा आपको, ठीक है। इसको हम लोग कॉस्ट मैट्रिक्स वहां भी बोल रहे थे, यहाँ भी कॉस्ट मैट्रिक्स बोल रहे हैं, ओके। हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, ऑप्टिमल जॉब असाइनमेंट, मतलब किसको कौन सा जॉब असाइन करें ताकि हमें कॉस्ट कम कॉस्ट पड़े, और टोटल कितना कॉस्ट पड़ रहा है वो तो वही है, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट, एंड सेकेंड वन ऑप्टिमल कॉस्ट क्या होगा, मतलब ऑप्टिमल जॉब जॉब असाइनमेंट क्या होगा, मतलब किसको कौन सा जॉब असाइन करें, P1 को J1 होगा या P2 को J3 होगा, इस टाइप से यही चीज कैलकुलेट करना होता है। अब इसका मैं तरीका बताता हूँ क्या करना होता है, बहुत आसान है, ये 5th क्लास का भी बच्चा कर सकता है, ठीक है। तब देखते हैं आपको क्या करना है, एक इस टाइप से कॉस्ट मैट्रिक्स दिया रहेगा, ओके। कॉस्ट मैट्रिक्स दिया रहेगा आपको, बिल्कुल इजी वे में क्या करना है, सिंपली रो मिनिमम और कॉलम मिनिमम लेना है, 1 बाय 1 स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रो मिनिमम लीजिए, तो रो मिनिमम क्या, सॉरी कॉलम मिनिमम से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप रो मिनिमम से भी स्टार्ट कर सकते हो, रो से ही करिए। तो रो करेंगे तो इस देखिए फर्स्ट रो में सबसे छोटा कौन है, उसी तरह सेकेंड रो में सबसे छोटा कौन है, थर्ड रो में स्मॉलेस्ट कौन है, फोर्थ में स्मॉलेस्ट कौन है। तो फटाफट नोट डाउन करिए, इसके सामने स्मॉलेस्ट ए हुआ, इसमें स्मॉलेस्ट ए हुआ, इसमें स्मॉलेस्ट ए हुआ, इसमें स्मॉलेस्ट ए हुआ, इसमें स्मॉलेस्ट, तो मैंने सभी में स्मॉलेस्ट सेलेक्ट कर लिया, ओके। अब आप क्या करेंगे, तो आप कॉपी पे लिखेंगे ना, तो आप पीस को साइड में यहाँ पे लिख लेना स्मॉलेस्ट ऐसे करके। ये क्या हम लिख रहे हैं, रो वाइज लिख रहे हैं ना, रो स्मॉल स्मॉलेस्ट या मिनिमम ऑफ रो, मिनिमम ऑफ रो क्या होगा, 2 2 2 2 6, क्लियर। अब आपको क्या करना है, इस मिनिमम को इस पूरे रो में से घटा देना है, पूरे रो में से घटाने का मतलब कि हर एक एलिमेंट से, तो यहां से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, ए 8 बन जाएगा, ए 1 बन जाएगा, ए 1 बन जाएगा, ए 0 बन जाएगा और ए 6 बन जाएगा। ए 2 घटाएंगे तो यहाँ 7 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से करेंगे, तो एक कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है विदाउट टेकिंग मच टाइम, सोइंग यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन दिख गया, पहले मैंने सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो, यहाँ पे मैंने स्मॉलेस्ट को लिस्ट डाउन कर दिया, फिर माइनस किया, माइनस करने के बाद ये मैट्रिक्स बन गया। अब क्या करना, जो मैट्रिक्स बनेगा इसमें कॉलम मिनिमा ले लेना। आपको दो तरह से, या तो आप रो टू कॉलम चलो या कॉलम टू रो चलो, बात देखिए आंसर वही आएगा। पहले मैंने जैसे रो मिनिमा निकाला ना, फिर माइनस किया, आप पहले कॉलम मिनिमम भी ले सकते हैं और फिर माइनस करेंगे। तो आप पहले रो मिनिमा लिए, तो रो मिनिमा करने के बाद रो मतलब रो का जो मिनिमम है उसको माइनस किया, तो जो मैट्रिक्स है इसमें आप कॉलम मिनिमा करेंगे, ठीक है। मतलब कॉलम का मिनिमम सब में से घटा देंगे, हर एक कॉलम से घटा देंगे, और अगर आप पहले कॉलम मिनिमम लिए हुए थे तो बाद में रो मिनिमम लेंगे, ठीक है।
ओके तो अब यहां से जो मैट्रिक्स बचा इसमें मिनिमम देखिए क्या होगा, इसमें मिनिमम ए है, इस कॉलम में मिनिमम ए है, इस कॉलम में मिनिमम ए है, इस कॉलम में तो सब जीरो, ये कोई ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ना, इसमें मिनिमम ए है, यहाँ पे दो है ना, तो आप किसी को भी ले जा सकते हैं आपको जो मन करे, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, ठीक है, तो जैसे इसमें घटाए थे तो इसमें घटाएंगे तो ये सेवन हो जाएगा, ए सिक्स हो जाएगा, ए फोर हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा, ए टू हो जाएगा, तो मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, सो करता हूँ। किसी को किसी भी पॉइंट पे समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे को स्टॉप करके पूछना, ठीक है। तो अब देखिए मैंने घटा दिया तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, एट वाला सेवन बन गया, यहाँ देखिए इसमें से हमने क्या मिनिमम वन था ना, तो वन घटाएंगे तो ए सेवन बन जाएगा, ए वाला सिक्स बन जाएगा, ए वाला फाइव था फोर बन जाएगा, वन वाला जीरो बन जाएगा, थ्री वाला टू बन जाएगा। इसी तरह इसमें भी करना, इसमें भी करना, इसमें भी करना, सभी कॉलम में करना है, क्लियर। यहां तक हमने काम कर लिया, अब क्या करना है, हमें नंबर ऑफ लाइंस ड्रा करना है, कम से कम लाइन ड्रा करना है जो ज्यादा से ज्यादा जीरो कवर करे, क्या कम से कम लाइन ड्रा करना है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो ज्यादा से ज्यादा जीरो को कवर करे। तो हमारे पास जैसे बहुत सारे जीरो बन गए ना, देखो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो आप देखिए कम से कम कितना लाइन ड्रा कर सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा जीरो कवर करे। पहले मैंने देखा कि पूरा कॉलम जीरो है तो मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर दिया, ठीक है। अभी भी मेरे को दिख रहा है कि इधर जीरो है, इधर जीरो, इधर जीरो है, तो अब इस जीरो वाले के लिए तो कवर करने का ऐसे ड्रा करेंगे तो मान लो दो लाइन खींचना पड़ जाएगा, तो एक ही लाइन मैंने ऐसे खींच दिया, दो के अभी भी मेरे पास जीरो बच रहा है, कितना, एक जीरो इसमें है, एक जीरो इसमें है, तो आप देखिए कितना लाइन ड्रा करके कवर हो जाए। मान लो आपने एक जीरो ए है, एक जीरो है, आपने ए लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो अभी भी आपके पास ए बच गया था। अब इसको कवर करने के बाद आप यहां से ऐसे ड्रा करिए तो ये कवर होगा, या फिर आप वर्टिकली करिए। ओके, तो मैंने ए ड्रा कर दिया तो टोटल कितने लाइन ड्रॉ किए, एक दो तीन चार, मतलब टोटल फोर लाइन ड्रॉ कर लिया। ओके, तो टोटल हमें ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, फाइव क्रॉस फाइव का है ना, ठीक है, और हमने नंबर ऑफ लाइन कितने ड्रॉ किए, फोर। तो अगर इस टाइप का होता है कि जो नंबर ऑफ लाइन हमने ड्रॉ किया और जो ए मैट्रिक्स मतलब ये ऑर्डर है फाइव क्रॉस फाइव का है, तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो मतलब ये बैलेंस्ड नहीं है, मुझे फिर से इस पे काम करना पड़ेगा, मतलब ये हमारा सोल्यूशन अभी भी नहीं निकला हुआ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से कुछ ना कुछ काम करेंगे, अब वो काम करेंगे वो आपको समझना है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फोर है, फोर लेस देन फाइव हुआ, अगर इस टाइप से होगा तो ये आपका जो सोल्यूशन निकला है ये ऑप्टिमम नहीं निकला है। तो अब आप क्या करेंगे, जो अनकवर्ड एलिमेंट है, ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रा कर दिया, फोर लाइन्स मेरा आया था, इसको कुछ आप कैपिटल एन मान लीजिए, एन इक्वल टू फोर और ऑर्डर को हमने फाइव लिया था, तो ए आपको बस देखना होगा कि इक्वल टू आ रहा है कि नहीं, इक्वल टू आएगा तब रुक जाइएगा, नहीं आएगा तो कंटिन्यू करिएगा। ओके, अब जो अनकवर्ड एलिमेंट है ना उसमें मिनिमम आपको देखना है, ठीक है, क्या अनकवर्ड एलिमेंट कितना है, इतना ही बचा हुआ है ना, आप देखिए एक बार ये बचा हुआ, अब आप सिर्फ इतना में सोचेंगे कि मिनिमम एलिमेंट कौन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो इसके हर एक एलिमेंट में से माइनस कर देंगे, इस सिलेक्टेड में से जो भी है, इसमें मिनिमम कितना है, टू है, तो इस टू को इन सभी में से माइनस कर देंगे और जो लाइन ड्रा किया था तो जहां जहां इंटरसेक्शन है वहां वहां ऐड कर देंगे, बाकी में कुछ नहीं करेंगे, बाकी सिक्स फोर इनमें कुछ नहीं करेंगे, और इंटरसेक्शन कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे इस टू को ऐड कर देंगे और बाकी इस मैट्रिक्स में से सभी में से इस टू को माइनस कर देंगे। तो करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ए वाला नाइन हो जाएगा, ए टू हो जाएगा, ए सिक्स हो जाएगा, और इन सबको अपडेट करते हैं, तो अपडेट करने के बाद मेरे पास मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं वही लिखा, नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन टू कवर ऑल द जीरो इज इक्वल टू फोर एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज फाइव एंड एन लेस देन दैट इज, वो जो मैंने अभी बोला वही, सो वी गॉट सेकंड मॉडिफाइड, ए आपको हिंट है कि सेकंड मॉडिफाइड मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, बस जो मैंने बताया अभी वही करना है, तो यहाँ पे टू ले लिया, तो अब टू हमने क्या बोला था, ऐड किया तो देखिए बन गया, तो जो मैंने कैलकुलेशन बताया वो कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास फिर से एक मैट्रिक्स बन जाएगा। इसमें मैंने क्या किया था, टू लिया था, इंटरसेक्शन पे ऐड किया था और बाकी इसमें से माइनस किया था, एक करने के बाद आपके पास जो फ्रेश मैट्रिक्स बना उसमें फिर से यही काम रिपीट करना है, तब तक करते जाना जब तक कि नंबर ऑफ लाइंस एन ए जो फाइव क्रॉस फाइव का है ए ऑर्डर इक्वल ना हो जाए, ठीक है। हमने ऐड किया, फिर मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रा करना है जो ज्यादा से ज्यादा जीरो कवर करे, वैसे तो आप मैक्सिमम बहुत ज्यादा कर सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना ना, हमें मिनिमम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए मान लो कि सबसे ज्यादा जीरो वाला पहले कवर करे, देखिए इसमें चार जीरो है ना, पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद देख रहा हूं कि जीरो सबसे ज्यादा किसमें है,
इसमें जीरो है सबसे ज्यादा, 1, 2, 3, 0, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, अभी भी जीरो, हमें देखना कि किस रो या कॉलम सबसे ज्यादा जीरो है। तो इस कॉलम में देखिए 2 0 है, ठीक है, और इसमें भी 2 0 है, इसमें 1 0 है। तो किसी, मान लो मैंने इसको ड्रॉ कैंसिल कर दिया, अब देखना है कि मैक्सिमम जीरो के साथ कौन सा है, ये बचा 2 0, इसमें 1 0, तो इसको कैंसिल कर देंगे, मतलब लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए कितने, एक ए बच रहा है सिंगल जीरो के साथ, तो आप मान लीजिए, मैं देखिए चेंज इसलिए कर रहा हूँ ना ताकि आपको ये ना लगे कि जो मैंने पहले ड्रा किया वही बता रहा। आप कैसे भी ड्रा कर सकते हैं, एग्जाम में कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आप पता नहीं ना कौन सा अप्रोच लेंगे। जैसे मैंने पहले जो ड्रा किया था उस पर ड्रा नहीं किया, देखिए डिफरेंट ड्रा किया, तो भी वही है, कितना है 1, 2, 3 और टोटल, मतलब अगर एन माना था तो एन कितना गया, 5 आ गया, और इसका ऑर्डर कितना था 5, तो ये दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब जो हमने जो हमारा सोल्यूशन निकला वो हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन हो जाएगा, मतलब ऑप्टिमम असाइनमेंट, ठीक है। इसमें बस यही देखना, मिनिमम देखना है, ये नहीं कि आंसर लाने के चक्कर में ज्यादा वो कर दिए, तो सब्जेक्टिव तो है नहीं कि आप एग्जाम में लिख के आ जाओगे अगला नंबर दे देगा, ये तो ऑब्जेक्टिव है, न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप है, आपको डायरेक्टली एक लेटर यहाँ पे आंसर लिखना है, मैच किया तो ठीक है, नहीं किया तो खलास, ठीक है। अब यहां से हमारा सोल्यूशन क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो बहुत ईजी है। हमने, अच्छा मैंने सोल्यूशन को तो नहीं बताया ना, ठीक है, अब सोल्यूशन कैसे करोगे मैं पीछे से दिखाता हूँ, क्योंकि अब हमें बताना होगा ना कि कौन किसको असाइनमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है। आपको करने का क्या तरीका है, बहुत आसान तरीका है, बाकी आप जो कोई और भी मेथड जानते होंगे तो वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब उस रो या कॉलम से स्टार्ट करना जिसमें सिंगल जीरो हो, ठीक है। तो जैसे देखिए मैं इधर देखा तो फर्स्ट रो में कितने जीरो है, 1, 2, 3, अभी लाइन हटा के फिर से आपको मैट्रिक्स में देखना है, ये लाइन भूल जाइए कि यहाँ पे कुछ लाइन था, तो इसमें देखिए 1 0 2 0, ठीक है, इसमें सिंगल जीरो, इसमें 1 0 2 0 3 0, यहाँ पे सिंगल, इसमें भी 3 0, इसमें सिंगल जीरो, डबल जीरो, तो सिंगल जीरो वाला कौन सा मिला, ए रो मिला, तो इसमें आप इसको डार्क कर दीजिए, मतलब इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसका जस्ट मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, पहले पी टू जॉब किसको असाइन कर दिया, जे फोर को कर दिया, अब ये लिस्ट से बाहर हो गया, मतलब अब ए आपका इसका काम कर दिया, आपने इसको जॉब असाइन कर दिया, बाकी में सोचना है, ठीक है, ओके। अब बाकी में फिर कैसे करेंगे, बाकी में कैसे करेंगे, ए रो खत्म हो जाएगा जैसे मैंने बताया, अब इसमें नहीं देखेंगे और इसमें नहीं देखेंगे, ठीक है। अब फिर अब बाकी में देखिए, चलिए मैं इसको हटा देता हूं, नहीं तो बाकी शायद ध्यान आपको इसमें चला जाएगा। बाकी में अब देखिए कौन सा ऐसा रो या कॉलम जिसमें कम से कम जीरो जीरो हो, अगर इस कॉलम में देखें तो 2 0 है, इस कॉलम में भी देखें तो 2 0 है, इस कॉलम में देखें तो 2 0 है, इस कॉलम में देखें तो सिंगल जीरो है, तो इस जीरो को सेलेक्ट कर लीजिए, ओके। तो आपने क्या कर दिया, पी फोर को जेवन एलोकेट कर दिया, पी फोर को आपने जेवन एलोकेट कर दिया, तो आपका ए भी काम खत्म और इसका भी काम खत्म, ठीक है, ओके। अब जो एलोकेट नहीं हुआ, अब उसमें देखिए, अब देखिए कौन कम से कम जीरो कंटेंट कर रहा है, तो जैसे इसमें देखा तो 1 2 0 छोड़ दीजिए, इसमें 1 0 2 0 छोड़ दीजिए, इसमें सिंगल जीरो, तो इसको एलोकेट कर दीजिए, तो एक इसको कर दिया, पी फाइव को आपने जॉब दे दिया, पर्सन फाइव को कौन सा जॉब दे दिया, J3 दे दिया, ठीक है। अब ये फिर से खत्म, और पी फाइव को क्या था ना, इनका काम खत्म। अब आपके पास क्या बचा, एक पी वन बचा और एक पी टू बचा, तो अब देखिए फिर से नंबर ऑफ जीरो ये भी कैंसिल आउट हो गया था। अब देखिए पी वन में एक ही जीरो बचा ना, इधर कुछ नहीं है, तभी इसको दे दीजिए जॉब, ये कौन सा जॉब है, जे टू है, ठीक है। अब जे टू तो ऑब्वियस ही बात, इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, इसमें बचा कौन सा, 1 2 3 4, यानी इसके लिए जे फाइव बचा, आप देख सकते हैं पी थ्री में कौन सा बचा है, जे फाइव बचा। तो ये जो असाइनमेंट है ये ऑप्टिमम है, मतलब ये ऑप्टिमम सोल्यूशन आपको देगा। और एग्जाम में आप ये जरूर चेक करिए कि सारे डिस्टिंक्ट तो है ना, ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पी टू यहाँ फिर लिखे और यहाँ से दोबारा पी टू गलती से लिख दिए, ठीक है। तो आप देखिए कि ये सारे डिस्टिंक्ट हो, ये सारे डिस्टिंक्ट हो, ये जो होगा आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाते हैं शायद सॉल्यूशन क्या होगा, पता नहीं, वही चीज है, जे वन फोर को, जे टू पी वन को, जे थ्री पी फोर, अच्छा ये जॉब असाइनमेंट है, जॉब जे वन जॉब पी फोर को किया वही जो वहां पे किया था। अब यहाँ पे फिर कॉस्ट निकालने का, तो यहाँ पे आप और नोट डाउन कर लीजिए, मैट्रिक्स क्या था, पी वन जी वन था ना, ठीक है। तो ये हमने जॉब ले लिया, ठीक है, पर्सन ले लिया और इनका करस्पॉन्डिंग कॉस्ट ले लिया, कॉस्ट कहाँ है, फर्स्ट मैट्रिक्स में आप देखिए, वेरी फर्स्ट। अब कॉस्ट आपको इस फर्स्ट मैट्रिक्स से उठाना है, वो जस्ट असाइनमेंट चेक करने के लिए इतना कैलकुलेशन किया था कि किसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा। तो ये मैट्रिक्स आप देख रहे होंगे, ठीक है,
ये जो है इस पोजीशन पे ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो डाटा होगा उनका सम ले लेना, वही ऑप्टिमल कॉस्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ए देखिए, इस पोजीशन पे जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में आपका डाटा होगा उनका सम लीजिए, वही आपका ऑप्टिमल कॉस्ट दे देगा। यहाँ पे मैंने देखिए वही सम लिया हुआ है, इनका 33924 आ गया इस टाइप से, और इनका सम कर लिया था 21 आ गया, तो ए हो गया आपका ऑप्टिमल कॉस्ट। ठीक है, तो होपफुली सबको समझ में आया होगा। तो जल्दी से इस एक्सरसाइज को करिए, इस क्वेश्चन को। मैक्सिमम एक क्वेश्चन आपको मैक्सिमम 2 मार्क्स में दे सकता है, यानी आपका मैक्सिमम 3 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। मैक्सिमम ऑन एवरेज 1 to 2 मिनट में होना चाहिए। आप क्या करेंगे, यहीं पे मैं हिंट बता दे रहा हूं एक क्विकली, आप सभी का इसी के सामने मिनिमम लिख लीजिए, जैसे आपने 9, और नहीं भी लिखना चाहते हैं ना तो आप क्या करिएगा। अच्छा, आपको ये मैट्रिक्स देखिए, आपके गेट के एग्जाम में देने जा रहे हैं तो वहां पे तो पेन पेपर मिलेगा ना, तो मैट्रिक्स कुछ में नोट करने के बाद यहाँ पे हिंट दे दीजिएगा, टिक ऐसे कुछ कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसको माइनस करना है। इसमें मिनिमम में है, इसमें मिनिमम में है, इसमें मिनिमम है, अब इसको सब में से माइनस करना होगा। तो आप जैसे भी करें फटाफट कैलकुलेट करके बताइए मुझे क्या आंसर आ रहा है इसका। एक सेकंड, आप लोग ना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 30 को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 30 को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। जो लोग कर लिए हैं वो क्वेश्चन नंबर 30 ट्राई करिए, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन मैं आंसर प्रोवाइड करा दे रहा हूं, और आपको क्या करना है कैलकुलेशन करने के बाद वेरीफाई कर लेना है कि वही चीज आ रहा है क्या। देखिए इसका आंसर ये आएगा 42, अंजू का सही है, इसका असाइनमेंट इस टाइप से है। तो आपको क्या करना है, सोल्व करने के बाद फाइनल देखना है इतना आ रहा है कि, अगर इतना नहीं आ रहा तो फिर से चेक करेगा, क्योंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक ही होता है, उसमें वो यूनिक होगा, इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया, आपका होमवर्क है सेकेंड और थर्ड कर लेने के लिए। ठीक है,